Hello students, myself Dr. Richa Chaudhary and I am here to give the presentation on the topic categories of pests under the course Principles of Integrated Pest and Disease Management. सबसे पहले हम देखते हैं कि what is the definition of pest. Pest जो word है वो French word pesti या Latin word pestis से derive किया गया है, जिसका मतलब होता है plague और contagious. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाता है उसको हम लोग पेस्ट बोलते हैं. अब वो नुकसान वो चाहे क्रॉप प्लांट्स को पहुंचाए, ऑर्नामेंटल्स को, फॉरेस्ट प्लांट्स को पहुंचाए, या फिर ह्यूमन बीइंग में कोई इंजरी कॉज करे, या फिर किसी स्टोर्ड ग्रेन प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंचाए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान पहुँचा रहा है उसको हम लोग पेस्ट बोलते हैं. वो इंसेक्ट हो सकता है, निमेटोड हो सकता है, माइट हो सकता है, स्नेल स्लज हो सकता है, या वर्टिब्रेट हो सकता है, रैट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाता है उसको हम लोग पेस्ट बोलते हैं. अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेस्ट जो कि डिफरेंट बेसिस पे जो है वो डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस. ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस इसको हम लोग रेगुलर पेस्ट, ओकेजनल पेस्ट, सीजनल पेस्ट, परसिस्टेंट पेस्ट और स्पोरेडिक पेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला है रेगुलर पेस्ट. ऐसा पेस्ट जो फ्रीक्वेंटली बार बार लगातार क्रॉप पर अटैक करता जाता है और क्रॉप के साथ उसका क्लोज एसोसिएशन होता है उसको हम लोग रेगुलर पेस्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइस स्टेम बोरर दैट इज सर्कोफेगा इंसर्टुलस, और ब्रिंजल फ्रूट बोरर दैट इज लोसोलाइम्स ऑर्गोनालिस. ओकेजनल पेस्ट का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंटली, जो पेस्ट फ्रीक्वेंटली नहीं आता, लगातार नहीं आता, कभी कभी आता है, दैट इज़ और उसका क्लोज एसोसिएशन क्रॉप के साथ नहीं होता उसको हम लोग ओकेजनल पेस्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल केसवर्म, केसवर्म कभी कभी आता है, केसवर्म, निम्फुला डिपंक्टालिस, मैंगो स्टेम बोरर जो है वो भी ओकेजनल पेस्ट है. फिर तीसरा है सीजनल पेस्ट. सीजनल पेस्ट जो है वो पर्टिकुलर सीजन में आता है. फॉर एग्जाम्पल या तो खरीफ में आएगा, मतलब खरीफ का क्रॉप है तो खरीफ में आएगा, रबी में आएगा, जायद में आएगा, तो पर्टिकुलर सीजन में आता है तो अपन सीजनल पेस्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेड हेयरी कैटरपिलर ग्राउंडनट में आता है, इंसेक्टा अल्बस्ट्रिका, मैंगो हॉपर्स जो है वो मैंगो का मोनोफोगस पेस्ट है. फिर आता है परसिस्टेंस पेस्ट, जिसकी परसिस्टेंसी बनी रहती है, जो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर जो है वो अटैक करता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि चिली थ्रिप्स, मिली बग ऑफ गुआवा, पेरिसिया विरगाटा. फिर नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोरेडिक पेस्ट. स्पोरेडिक पेस्ट जो है वो एक आइसोलेटेड एरिया में कुछ समय के लिए आता है, एक अलग एरिया में कुछ समय के लिए आता है. फॉर एग्जाम्पल कोकोनट स्लग कैटरपिलर. फिर दूसरा जो बेसिस है दैट इज़ बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन. लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ एपिडेमिक पेस्ट, एंडेमिक पेस्ट एंड पैंडेमिक पेस्ट. एपिडेमिक पेस्ट क्या होता है, सडन आउटब्रेक होता है, अचानक जो है सीवियरली क्रॉप पे जो है इंसेक्ट का अटैक हो जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में अचानक सीवियर अटैक हो जाता है, सडन आउटब्रेक हो जाता है, उसको हम लोग एपिडेमिक पेस्ट बोलते हैं. एंडेमिक पेस्ट क्या होता है, जो फ्यू पॉकेट्स में होता है, छोटे छोटे एरियाज में, कन्फाइंड एरियाज में, पर्टिकुलर एरिया में होता है, लेकिन रेगुलरली होता है, सडन नहीं होता, रेगुलरली छोटे छोटे पॉकेट्स में आता है, उसको हम लोग एंडेमिक बोलते हैं. पेंडेमिक क्या होता है, वो एपिडेमिक का बड़ा रूप होता है. जब एक एपिडेमिक जो है वो मल्टीपल कंट्रीज में या मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में एक साथ आए वो पेंडेमिक होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि लोकस्ट का अटैक हुआ, लोकस्ट का अटैक जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, बहुत सारे कंट्रीज को उसने अफेक्ट किया, तो उसको हम लोग पेंडेमिक पेस्ट के कैटेगरीज में ले सकते हैं. फिर कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको समझना, कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझना जरूरी है. पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या जनरल इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं. उसका डेफिनेशन होता है द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अराउंड विच द पेस्ट पॉपुलेशन टेंड्स टू फ्लक्चुएट ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर. इसका मतलब है कि एक एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की जो एनवायरनमेंट में बनी हुई है, जिसको कंट्रोल मेथड्स, जो टेम्प्ररी कंट्रोल मेथड्स यूज करते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एवरेज डेंसिटी हमेशा पॉपुलेशन जो है वो एनवायरनमेंट में बना रहता है और वो फ्लक्चुएट होता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से. बायोटिक फैक्टर्स का मतलब होता है जैसे कि प्रिडेटर्स प्रेजेंट है तो वो अटैक करेंगे तो इंसेक्ट का पॉपुलेशन कम हो जाएगा,
पैरासिटॉइड्स हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, विंड हो सकता है, विंड वेलोसिटी हो सकती है। तो ये सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली जो है पेस्ट का पॉपुलेशन फ्लक्चुएट होता है। ये हो गया जनरल इक्विलिब्रियम पोजिशन। इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है? लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विच कैन कॉज इकोनॉमिक डैमेज। यहाँ पर इकोनॉमिक डैमेज की बात की जा रही है। इकोनॉमिक डैमेज में दो शब्द है, दैट इज इकोनॉमिक एंड डैमेज। डैमेज जो है कोई भी अबनॉर्मेलिटीज अगर आपको प्लांट में दिखाई दे रही है वो डैमेज है। और ये डैमेज जो है अगर इकोनॉमिक का बोलेंगे जब आपको मॉनिटरी लॉस होगा। मॉनिटरी लॉस मीन्स मनी का लॉस, मनी का लॉस मतलब यील्ड का लॉस। जब हमको यील्ड का लॉस होगा मतलब वो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो यील्ड लॉस कॉज कर सकती है या पैसे का लॉस कॉज कर सकती है उसको हम इकोनॉमिक इंजरी लेवल बोलते हैं। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो सबसे कम पॉपुलेशन जहाँ पर हमको कंट्रोल मेजर्स जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि हम उस पेस्ट पॉपुलेशन को EIL लेवल तक पहुँचने से रोक सकें। मतलब ETL लेवल वो लेवल होता है जहाँ पर पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का मेजर्स स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डैमेज बाउंड्री। डैमेज बाउंड्री जो है वो लोएस्ट पॉपुलेशन, लोएस्ट लेवल ऑफ डैमेज जो कि मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे एक हेक्टेयर एरिया में राइस लगा हुआ है उसकी किसी एक लीफ में स्टेमबोरा का अटैक है या किसी एक स्टेम में स्टेमबोरा का अटैक है तो वो विजिबल नहीं होता। अगर इतना डैमेज हो जिसको हम लोग मेजर कर सकें, जिसको हम लोग माप सकें, नाप सकें, तभी हम लोग उसको डैमेज बाउंड्री बोलेंगे। तो जो लोएस्ट पॉपुलेशन जिसको हम जिसके द्वारा किए गए डैमेज को हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डैमेज बाउंड्री। आप एक बात याद रखिएगा कि ETL लेवल जो है वो हमेशा EIL से कम होता है, क्योंकि वो ETL लेवल वो लेवल होता है जहाँ पर हम लोग कंट्रोल मेजर स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वो EIL लेवल को क्रॉस ना कर पाए। अब पेस्ट कैटेगरीज जो है टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी उसके हिसाब से भी हम लोग पेस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज की पेस्ट। की पेस्ट जो है सबसे सीवियर और डैमेजिंग पेस्ट होता है। इसमें जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो EIL लेवल के ऊपर होता है, हमेशा ऊपर होता है। मतलब एवरेज पॉपुलेशन विच इज़ अनअफेक्टेड बाय द टेम्पररी इंटरवेंशन ऑफ कंट्रोल, ऐसा पॉपुलेशन जो एनवायरनमेंट में हमेशा बना हुआ है वो EIL। EIL क्या है? जो इंजुरी कॉज करने वाला लेवल है। तो इंजुरी कॉज करने वाले लेवल से हमेशा ज़्यादा ही होगा, मतलब कम पॉपुलेशन जो इंजुरी कॉज कर रहा है उससे ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करेगा, बहुत ज़्यादा सीवियरली अटैक करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं की पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉटन बॉल वर्म, डायमंड बैक मॉथ, रुटेला ज़ाइलोस्टेरा। फिर नेक्स्ट होता है मेजर पेस्ट। मेजर पेस्ट में जो है EIL और GP का लेवल जो है वो पैरेलल चलता है, मतलब अगर कंट्रोल मेजर्स स्टार्ट कर देंगे तो GP जो है वो EIL से कम आ जाएगा। और कम आ जाएगा का मतलब क्या होगा कि जो इंजुरी कॉज करने वाला लेवल है उससे कम एवरेज पॉपुलेशन प्रेजेंट होगी हो जाएगी तो वो कंट्रोल हो जाएगा, अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो अटैक करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, ये मेजर पेस्ट है। ऐसा इसका एग्जांपल है राइस स्टेमबोरा, दैट इज सिप्रोफेगा इनसेटुलस। नेक्स्ट जो है वो है माइनर पेस्ट या जिसको हम लोग बोलते हैं ओकेशनल पेस्ट, वो रेयरली आता है। इसमें GP जो है EIL से कम होता है नॉर्मली, लेकिन कभी कभी ओकेजनली जो है वो EIL लेवल को क्रॉस कर जाता है। फॉर एग्जांपल कॉटन स्टेनर, डिस्टैकस सिंगुलेटस जिसको हम लोग रेड कॉटन बर्ब बोलते हैं, राइस हिस्पा दैट इज डिक्लाडेस्मा आर्मीजेरा, और ऐश विविल जो कि ब्रिंजल का पेस्ट है। तो ये हो गया माइनर पेस्ट। नेक्स्ट होता है स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट में भी जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल से कम होता है ये, लेकिन जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन मिलती है किसी पेस्ट को तो वो EIL लेवल को क्रॉस कर जाता है। जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन EIL लेवल को बहुत ज़्यादा क्रॉस कर सकता है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर से नीचे चला आता है, तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर केन पायरेला, वाइट ग्रब, हेयरी कैटरपिलर जो है वो स्पोरेडिक पेस्ट के एग्जाम्पल है। फिर एक आता है पोटेंशियल पेस्ट। पोटेंशियल पेस्ट का मतलब होता है कि हाल फिलहाल वो पेस्ट नहीं है लेकिन उस पर पोटेंशियल है कि वो पेस्ट बन सके। अगर पेस्ट नहीं है इसका मतलब क्या है कि GP जो जनरल पॉपुलेशन है वो इंजोरी कॉज करने वाले पॉपुलेशन से हमेशा कम रहेगी। तो एक एवरेज पॉपुलेशन एनवायरनमेंट में हमेशा कम है जो कि इंजोरी कॉज नहीं कर रहा है, तो फिलहाल वो पेस्ट नहीं है लेकिन उसके पास पोटेंशियल है पेस्ट बनने की। फॉर एग्जाम्पल
अभी जैसे कि जायोग्रामा बाइकोलोराटा एक इंसेक्ट है जो कि पार्थिनियम को कंट्रोल करता है, लेकिन पहले तो ये एक बाय कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ किया गया, उस समय हमें नहीं पता था कि ये दूसरे क्रॉप्स को भी अटैक कर सकता है। अभी जो है ऐसा हमको पता चल गया है कि ये पेस्ट भी हो सकता है, ये एज अ पेस्ट भी क्रॉप पे अटैक कर रहा है। तो उस समय हमें नहीं पता था कि ये पेस्ट है या नहीं, लेकिन अब जो है पेस्ट है ऐसा पता चल गया है। तो कोई भी इंसेक्ट जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो फिलहाल पेस्ट नहीं है, तो कभी पेस्ट नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, उसमें पेस्ट बनने का पोटेंशियल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल पेस्ट। थैंक यू।